स्केच ऑफ परनेसाचार्य। परनेसाचार्य कर्नाटक में अग्रहारा दुर्वासापुरा विलेज के लीडर हैं, और ये जो है लेट 30s में हैं और महान संस्कृत स्कॉलर हैं, और इन्होंने 15 लेस सॉल्स और सिल्वर प्लेटर्स जीता। बड़े बड़े विद्वानों से धार्मिक चीजों पर आर्ग्यूमेंट करके ये जो है संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता है, और संस्कृत को इन्होंने काशी से सीखा, और इसके साथ में वेदास और स्क्रिप्चर्स को थॉरली स्टडी किया, थॉरली ये जानते हैं। परनेसाचार्य ने एक इनवैलिड वुमेन भागीरथी से शादी किया ताकि ये जो है अपनी सोल को प्यूरिफाई करने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सके, है ना। 20 साल, शादी के 20 साल हो गए, लेकिन इन्होंने कभी प्लेजर ऑफ सेक्स का एंजॉय नहीं किया, और ना ही इनकी जो एलिंग वाइफ थी वो ही इनको बच्चा दे सकी। लेकिन ये कभी इस बात से निराश नहीं हुए, बल्कि ये ऐसा सोचते थे कि ये लॉर्ड कृष्णा उनका टेस्ट लेना चाहते थे, लेना चाहते हैं, और इस प्रकार उनको साल्वेशन यानी कि मोक्ष की जल्दी प्राप्त हो जाएगी। हर सुबह आचार्य यानी कि परनेसाचार्य जी अपना सुबह जो है अपनी वाइफ भागीरथी को नहलाते थे। इस प्रकार वो अपना सुबह जो है शुरू करते थे, और अपना ब्रेकफास्ट तभी खाते थे जब ये अपनी वाइफ को खिला देते थे, और उसके साथ में अपने घर की गायों को खिला देते थे, उसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट लेते थे, है ना। ये रूटीन जो है आचार्य के माइंड में एक जो है प्लेजर फील करवाता था, और वो सोचते थे कि उन्होंने एक इनवैलिड वुमेन से शादी किया है, और इससे क्या होंगे, वो बहुत ही जल्दी परिपक्व हो जाएंगे और साल्वेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, नारायण अप्पा ये जो है एनदर ब्राह्मिन है जो कि एंटी ब्राह्मिनिकल ब्राह्मिन्स कहलाता है। नारायण अप्पा की डेथ हो जाती है, और इससे अग्रहारा विलेज में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है इस चीज को लेकर, उसके बरियल को लेकर, है ना। जो ब्राह्मण्स रहते हैं अपने अपने व्यूज में डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि ये जो एंटी ब्राह्मिनिकल ब्राह्मिन था, तो इसके बरियल को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है ना। और फिर परनेसाचार्य के डिसीजन की बात किया जाए तो सारे लोग परनेसाचार्य के पास आते हैं और उनसे डिसीजन फाइनल लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हर कोई परनेसाचार्य के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, है ना। लेकिन ये सिचुएशन इस प्रकार की सिचुएशन परनेसाचार्य के कंधों पर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी ला देता है, और वो जो है मनुस्क्रिप्ट और बाकी कई सारे पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं और एक फाइनल डिसीजन पर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो है वो इन होली टेक्स्ट से, इन पवित्र ग्रंथों से कुछ खास सही रास्ता यानी कि फाइनल डिसीजन और एक सही दिशा में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जैसा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन जब एक रियल सिचुएशन सामने आई तब इनकी सारी की सारी नॉलेज जो है रखी रह गई, यानी कि यूजफुल प्रूव नहीं हो सकी। शाम तक परनेसाचार्य जो है बहुत ज़्यादा निराश हो गए, जैसा कि ये फाइनल किसी कंक्लूजन पर यानी कि फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए थे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए थे, है ना। क्योंकि वो ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण कास्ट का भले ही था, लेकिन कभी ब्राह्मण कास्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया था उन्होंने। सो ही क्रॉस्ड द रिवर, इसलिए इन्होंने रिवर को क्रॉस किया एंड बेंड टू द मारुति टेम्पल, और ये मारुति टेम्पल गया वेयर द ब्राह्मिन्स ऑफ दिस अग्रहारा वर्शिप्ड हनुमाना। और मारुति टेम्पल में अग्रहारा विलेज के जो ब्राह्मण थे वहां पर जाकर वो हनुमान जी की पूजा किया करते थे। मंदिर के अंदर ये जो है घंटों से काफी देर तक जो है भगवान के फेवर में, है ना, बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि भगवान इनके ऊपर कोई एहसान करें यानी कि इनके ऊपर फेवर करें, और ये डिवोशनल सॉन्ग भगवान के लिए जो है भक्ति भरे गीत भी गाए,
लेकिन हनुमान टेम्पल में जो इनका एक्सपीरियंस रहा, ये परनेसाचार्य को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देता है, क्योंकि हनुमान टेम्पल से भी इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। फाइनली परनेसाचार्य जो हैं अब मारुति टेम्पल से ये वापस आते हैं, जैसा कि शाम का समय जो था, मतलब ये समय उनकी वाइफ को दवा देने का समय हो गया था। और वो मंदिर से बाहर जब वो निकले तो एक घने अंधेरे जंगल के तरफ से होकर जा रहे थे। वहीं पर चंद्री अंधेरे में खड़ी हुई थी और वो जो है उस प्रेयर का रिजल्ट पूछना चाहते थे, है ना। और वो जो है इनके परनेसाचार्य के कदमों में गिर पड़ी और रोने लगी, लेकिन जल्द ही ये दोनों क्लोजर हुए और अनकॉन्शियसली एक दूसरे को गले लगा लिए। और जो है उसी अंधेरे में जो है ये दोनों सेक्स में इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि कोई सपना हो। परनेसाचार्य जो है चंद्री से सेक्स किए, उससे प्यार किए, और आगे देखिए क्या होता है। आधी रात का समय था जब आचार्य की आंख खुली, यानी कि परनेसाचार्य सो गए और आधी रात को इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा, तब इनका जो सिर है चंद्रे की गोद में था और इनके गाल जो है उनके लो नेक्ड बेली पर था, और चंद्रेज का जो फिंगर है उनके बैक ईयर और हेड पर था। परनेसाचार्य जो है अब कुछ समय के लिए तो अपने आप को खो दिए और वो अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगे, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ डिड आई गेट देयर, मैं यहाँ पर कैसे आया, व्हाट इज दिस डार्क, अंधेरा क्या है, विच फॉरेस्ट इज दिस, ये कौन सा जंगल है, हु इज दिस वुमेन, ये कौन सी वुमेन है। आफ्टर हिज सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद चंद्री, परनेसाचार्य बिकेम अ चेंज्ड मैन, यानी कि चंद्रे के साथ सेक्स का एक्सपीरियंस करने के बाद परनेसाचार्य बिल्कुल बदल गए और उन्होंने बाकी दूसरे ब्राह्मण्स को गाइड करना भी बंद कर दिया, और बहुत ही जल्द उनकी वाइफ भागीरथी की डेथ हो गई। जब भागीरथी की डेथ हो गई तब परनेसाचार्य ने अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के बाद ही अपने गांव अग्रहारा विलेज में वापस नहीं आना चाहते थे, वापस नहीं आए, और ना ही ये अपने घर से किसी प्रकार के धन संपत्ति पैसा भी नहीं चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, है ना। और ये इनके लिए एक तरह से ये भटकते रहते थे बिना किसी मतलब के, एमलेस वेंडरिंग के समान हो गया था, जंगल में इधर उधर भटकते रहते थे। और जहाँ पर इनकी मुलाकात एक व्यक्ति पुट्टा से होती है, पुट्टा इनके साथ चलने लगता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है किस प्रकार से, आई एम पुट्टा ऑफ मेल रस गोइंग फॉर द कार फेस्टिवल ऑफ मैलीज। ये कहता है कि मैं पुट्टा हूँ मेल रस का, मैं पुट्टा हूँ, मैं मैलीज के कार फेस्टिवल के लिए जा रहा था। परनेसाचार्य इनसे बात नहीं करना चाहते थे और वो जो है बाएं मुड़ जाते हैं, और जैसा कि ये बहुत ज्यादा माइंडली डिस्टर्ब कंडीशन में थे, लेकिन पुट्टा जो है कंटिन्यू इनसे कंपेनियनशिप, इनसे दोस्ती करना चाहा, इनसे बात करना चाहा, और जो है इनके लाख मना करने के बावजूद भी फाइनली क्या होता है, पुट्टा से फ्रेंडशिप हो जाती है। और जो पुट्टा से परनेसाचार्य की फ्रेंडशिप, परनेसाचार्य के लिए एक दूसरा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंस की शुरुआत थी, है ना। और इसके बाद में ये जो मतलब ये अपने गांव में वापस नहीं आए परनेसाचार्य, ठीक है, और आए भी तो ये डिसीजन किए कि जो भी उनके साथ हुआ अब वो जाकर सारी चीजें बताएंगे, और इनके पास भले स्क्रिप्चर्स का वास्ट नॉलेज है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जो है एक मतलब अननोन पर्सन की तरह हो चुके हैं परनेसाचार्य जी। हिरोशिमा एक पोयम है, इसको लिखा है अज्ञेय। हिरोशिमा एक वार पोयम है, इसको हिंदी लिटरेचर के एक फेमस राइटर अज्ञेय, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ने इसको लिखा है।
हिरोशिमा पोयम के थ्रू हिरोशिमा सिटी में जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था उसकी सीन को दिखाया गया है ना। और पोयम में ज्यादा फोकस किया गया है साइंस के मिस यूज पर कि किस तरह से ह्यूमन जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो भी साइंस का मिस यूज करके। और इस पोयम का मेन आइडिया ये है कि एक न्यूक्लियर वार कितना ज्यादा डिजास्ट्रस, कितना ज्यादा भयानक स्थिति ला सकता है। हिरोशिमा शहर में जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था वो बहुत ज्यादा फुल ऑफ हॉरर था, वो सीन बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। और इसने इंसान को ये चीज एहसास कराया कि उसका एग्जिस्टेंस इन सभी वार के खिलाफ वल्नरेबल है। और ये चीज ये भी शो करता है कि इंसान किस तरह से साइंस का मिस यूज करते हुए अपने आप को ही विनाश कर रहा है। पोयम जो है डिसआर्मामेंट के लिए एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज देता है। पोयम की तीन थीम है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि हिरोशिमा पोएम में जनरली तीन बातों पर फोकस किया गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के डिस्ट्रक्शन पर, फेरोसिटी ऑफ वार, वार के फेरोसिटी पर, एफीमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन लाइफ के एफीमेरल नेचर को। तीन चीज पर याद रखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फेरोसिटी ऑफ वार और एफीमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें तीन तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, एलिट्रेशन, मेटाफर और एसोनेंस। राइटिंग स्टाइल, तो राइटिंग स्टाइल इसका वेरी सिंपल है, नैरेटिव और पिक्चरेबल है। और इसको फ्री वर्स में लिखा गया है ना, हिरोशिमा पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। इमेजरी की बात किया जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट के एक इवोकेटिव और रियलिस्टिक इमेज को दिखाया गया है। और जैसा कि ये जो ब्लास्ट है हिरोशिमा सिटी के सेंटर में होता है, और तभी अचानक जो है एक जलता हुआ आग का दहकता गोला दोपहर मतलब आता है, और उससे पूरा जो है एकदम दोपहर की तरफ चमक उठता है ना, दोपहर की तरह, जैसे दोपहर में सूर्य बहुत चमकता, सेम उसी तरह से। और यहाँ पर पोएट ने इस ब्लास्ट के हीट को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है ना, और इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे कि जब सिटी में ये ब्लास्ट हुआ था तो वहां पर जैसे कि इमेंस व्हील, जैसे कि एक आग रूपी चक्र जो है सिटी में आ गया हो, और उस आग रूपी सूर्य है ना, सूर्य रूपी ये जो आग का गोला है ये पूरे सिटी को बर्बाद करते हुए, पूरे सिटी को जलाते हुए आगे जा रहा हो, इस तरीके से दिखाई दे रहा था। बिल्कुल कुछ इस तरीके की सीन थी। लोग जो कि इसमें मारे गए उनकी जो है रॉक्स पर सैडोज की हेल्प से उनको पहचाना जा सकता है, यानी कि ऐसे लोग जो कि इसमें मारे गए, जो कि इसमें नष्ट हुए, उनको उनकी इमेज रॉक्स पर बनी हुई है एक सैडोज के रूप में। और ये सैडोज जो है ये बताता है कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा फेरोसियस था, कितना ज्यादा भयावह था, कितना ज्यादा खतरनाक था। साइंस के मिस यूज पर फोकस किया गया। पोएम जो है यहाँ पर एक टर्म का यूज करता है सैडोज, और सैडोज के माध्यम से एक मैसेज देता है। सैडोज जो कि ह्यूमन बीइंग के डार्क इंटेंशंस को बताता है। यहाँ पर सैडोज सैडोज किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो ह्यूमन की डार्क इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट करता है। मेन जो है साइंस का मिसयूज कर रहे हैं, और जो है इसके डिस्ट्रक्शंस का, यानी कि खुद के डिस्ट्रक्शंस का, साइंस के डिस्ट्रक्शंस का रीजन खुद बन रहे हैं। इस माध्यम से साइंस के मिसयूज को फोकस में किया गया है इस हिरोशिमा पोयम के थ्रू।
देखिए, शकुंतला को कालिदास जी ने लिखा। शकुंतला एक प्ले है, सेवन एक्ट का प्ले है, और ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया कालिदास जी ने लिखा है। ये प्ले को कई सारी लैंग्वेज यानी कि वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, और इसका अदर टाइटल है अभिजना शाकुंतलम, या जो है द रिकॉग्निशन ऑफ शाकुंतला। सर विलियम जेम्स ने 1789 ईस्वी में इस प्ले यानी कि शाकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। याद रखिए, है ना, 1789 में सर विलियम जेम्स ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये प्ले संस्कृत लिटरेचर का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में भी एक बेस्ट वर्क के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर शकुंतला प्ले जो है, ये महाभारत से इसकी कहानी को लिया गया है। इसका थीम है लव, पैशन, रीयूनियन, सेपरेशन, है ना। ये प्ले ऐसा माना जाता है, इस प्ले को 20th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच में लिखा गया है। कब लिखा गया? 2nd सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच में इसको लिखा गया है। और इसके प्ले राइट कालिदास हैं। कालिदास इंडियन पोएट और ड्रामेटिस्ट जो कि संस्कृत लिटरेचर से हैं, और इनको जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, कालिदास जी को। और कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान 4th और 5th सेंचुरी के बीच में ये थे, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। और ये जो है गॉडेस काली के ग्रेट वर्शिपर के रूप में भी जाने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि गॉडेस काली के ही वजह से इनके पास विट और इंटेलेक्चुअल पावर आई, है ना। इनका जो प्लेज है हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड होता है, हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड होता है, एपिक्स लीजेंड्स पर बेस्ड होता है, और यूजुअली जो है ये गॉड्स, किंग्स, सिटीज, प्लेसेस, पैलेसेस और नेचर से डील करते हैं। इनका जो जितना भी प्लेज होता है, कालिदास के कुछ फेमस वर्क हैं जैसे विक्रमार्वश्यम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संभारम और कुमार संभवम इनका वर्क है ना। क्या क्या वर्क है? कुमार संभवम, ऋतु संभारम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमार्वश्यम। प्ले के बारे में देखा जाए तो शकुंतला एक ट्रेजिक लव स्टोरी प्ले है। इस प्ले में, इस कहानी में जो है, हम लोग किंग दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं, और शकुंतला जो कि सेज कन्वा की फोस्टर चाइल्ड हैं, इनके बीच लव को दिखाया गया है, इनके बीच इमोर्टल लव को दिखाया गया है इस प्ले के थ्रू। और ये जो कन्वा जो है, ये हर्मिटेज, इनका खुद का हर्मिटेज है, और कन्वा जी का हर्मिटेज हिमालय की फुट हिल्स में बसा हुआ है, एक ये फॉरेस्ट के किनारे है, लेकिन ये मैलनी रिवर के किनारे पर इनका हर्मिटेज बसा हुआ है। और शकुंतला के जो एक्चुअल पेरेंट्स है वो महर्षि विश्वामित्र और निम्फ मेनका है ना। कन्वा ने इसको, इनको एडॉप्ट किया था, जैसा कि ये जो है इनके आश्रम के पास, मतलब इनके जो माता पिता महर्षि विश्वामित्र और निम्फ मेनका थे, शादी के पहले ही इनका जन्म हुआ था, और इस वजह से ये, इनके माता पिता इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, और इस वजह से इन्होंने सेज कन्वा के आश्रम के पास इनको, इस बच्ची को छोड़ दिया था। और जब कन्वा ने इसको, इस बच्ची को रोते हुए देखा, तब ये अपने आश्रम में ले आए। समय बीतने के साथ शकुंतला एक सुंदर लड़की बनी, और एक बार राजा दुष्यंत जो है शिकार करने के लिए जंगल में निकले हुए थे, और शिकार करते करते ये जो है ऋषि आश्रम के पास एक हिरन का पीछा करते हुए आ गए। तभी वहीं पर जो है आश्रम के एक ऋषि ने इनको मना किया कि यहाँ के हिरन को मत मारो, क्योंकि ये सेज कनुआ से रिलेटेड है। और इस पर ये जो है इनकी बात को मानते हैं, और इस प्रकार उस सदस्य ने आश्रम में आने के लिए दुष्यंत का वार्म वेलकम किया। और जो है जब यहाँ पर आते हैं तब इनको शकुंतला से प्यार हो जाता है, और शकुंतला से ये विवाह भी करना चाहते थे किंग दुष्यंत। और जब इनको पता चला कि शकुंतला भी इनसे प्यार करती है, लेकिन शकुंतला अपने फीलिंग को बयान नहीं कर पा रही है, जब कंफर्म करती है
और एक लव लेटर के माध्यम से शकुंतला कंफर्म करती है और इसे क्या होता है, किंग दुष्यंत गंधर्व मोड से विवाह करने के लिए प्रपोज करते हैं और जल्द ही इससे जल्दी शादी हो जाती है ना, और जल्दी ही ये दोनों जो है गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गौतमी हर्मिटेज की मैट्रॉन होती है, सब देख रही होती है, सब कुछ जानती है, लेकिन ये शांत रहती, कुछ बोलती नहीं है। अब किंग दुष्यंत को किसी कारणवश अपने राज्य वापस लौटना पड़ा, लेकिन इसने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा आएगा और उसे ले जाएगा। और जाते जाते किंग दुष्यंत ने इनको एक अंगूठी दे दी। एक दिन शकुंतला जो है किंग दुष्यंत की यादों में बहुत ज्यादा मगन थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गए और इनको बुलाए, लेकिन शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की तरफ ध्यान नहीं दिया और इससे ऋषि दुर्वासा इनको श्राप दे दिए कि तुम जिसकी याद में खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। देखिए यहाँ पर यू शैल बी लॉस्ट इन हिज द, है ना, इन हिज थॉट्स दो यू गुड हिज मेमोरी हार्ड ही शैल फेल टू रिमेम्बर यू। अब इस कर्स ने हर कोई को एकदम से भयभीत कर दिया। शकुंतला के दोस्त जाकर उस ऋषि से दया की भीख मांगी, रिक्वेस्ट की, और ऋषि दुर्वासा इससे जो है बोले कि राजा की दी हुई कोई चीज अगर जब वो दिखाएगी तब उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इन सब इंसिडेंट के बाद ऋषि दुर्वासा जो है आश्रम से चले जाते हैं और महीनों तक वेट करने के बाद जब सेजकन और ऋषि आए तब इन्होंने शकुंतला को वहां पहुंचाने का अरेंज किया, मतलब हस्तिनापुर रॉयल कोर्ट में पहुंचाने की व्यवस्था की। और ये सब जो है हस्तिनापुर रॉयल कोर्ट की तरफ आश्रम के कुछ मेंबर के साथ शकुंतला निकल ली। रास्ते में वो जो है पानी पीने के लिए एक झील के पास रुकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हाथ में अंगुली में जो रिंग थी वो उसी झील में उसकी फिंगर से निकल गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। अब वो रॉयल कोर्ट पहुंची और जो है अपने बारे में बताने लगी कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन जो है राजा को कुछ याद नहीं आया, दुर्वासा ऋषि के कर्ज के वजह से राजा को कुछ याद नहीं आया। अब शकुंतला जो है अपनी रिंग को, उसकी दी हुई रिंग को खोजती है, लेकिन वो रिंग उसके फिंगर में नहीं रहती है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बाकी सारे मेंबर आश्रम की तरफ वापस आ जाते हैं, लेकिन ये शकुंतला जो है मारिकाज के आश्रम में चली जाती है। कुछ दिन के बाद एक फिशरमैन को मछली के पेट में वो अंगूठी मिलती है और वो इस अंगूठी को बेचने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ सोल्जर्स हस्तिनापुर के कुछ सोल्जर्स के द्वारा इस फिशरमैन को पकड़ लिया जाता है। और इसको जो है रॉयल कोर्ट में लाया जाता है और अंगूठी जो है राजा को दी जाती है। जैसे ही राजा अंगूठी को देखता है उसको सारी चीजें, हर चीज याद आ जाती हैं और इसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। दुष्यंत जो है, जब दुष्यंत को सारी सिचुएशन याद आ जाती है तब वो उस मछुआरे को जो है इनाम देकर वापस कर देता है। दुष्यंत जो है कॉन्टिन्यूस उस सिचुएशन के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है तब तक जब तक कि मताली जो कि इंद्राज चैरिटियर का गॉड है वो नहीं आता है, और वो आता है उस प्लेस पर और उसे एक अर्जेंट मिशन पर डीमंस से फाइट करने के लिए ले जाता है, इनको किंग दुष्यंत को जो है ले जाता है। अब होता क्या है, 6 years पास, 6 साल बीत जाते हैं। किंग दुष्यंत हैज सक्सेसफुली बैंक्वाइस्ड द या बैनिश्ड द डीमंस एंड बीन ड्यूली ऑनर्ड बाई इंद्रा। किंग दुष्यंत जो है सफलतापूर्वक राक्षसों को भगाने में सफल हो जाता है और इंद्र के द्वारा जो है इनका सम्मान किया जाता है। फिर क्या होता है, जब मताली और राजा जो है अर्थ की तरफ एक फ्लाइंग चैरियट के माध्यम से अर्थ की तरफ घूम रहे होते हैं तब दुष्यंत जो है मारिका के कैलिसियल हर्मिटेज में जाने के लिए कहता है, और जब वहां पर जाता है तो राजा जो है एक छोटे से बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज रहता है, जो कि हूबहू बिल्कुल उसकी ही तरह दिखता है। दुष्यंत जो है उस बच्चे
के ऊपर मार्क्स मार्क्स ऑफ रॉयल्टी रॉयल्टी के मार्क्स को भी देखता है और वो पहचान जाता है। शकुंतला भी वहां पर आती है और ये सब जो है रीयूनाइट होते हैं। थ्री ऑफ देम, ये सारे लोग बात करते हैं, मारिका से बात करते हैं। और इसके बाद में ऋषि मारिका और ऋषि से बात करते हैं और बाद में मारिका जो है इनको एक्सप्लेन करती है कि ये सारा ऐसा हुआ, दुर्वासा ऋषि के कर्ज की वजह से ऐसा हुआ। और वो कहते हैं कि ये दोनों कपल आपस में एक दूसरे को ब्लेम ना करें और इस प्रकार ये सब रीयूनाइट होते हैं और सब यानी कि दुष्यंत, इनका पुत्र शरवर्धमना और शकुंतला, ये सब हस्तिनापुर चले जाते हैं। शकुंतला प्ले के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो पहली कैरेक्टर है शकुंतला जो कि हीरोइन ऑफ द प्ले है, डॉटर ऑफ रॉयल सेज विश्वामित्र एंड निम्फ मेनका है और फोस्टर चाइल्ड ऑफ सेज कन्वा। किंग दुष्यंता जो है हीरो ऑफ द प्ले है, मेंबर ऑफ प्रू लीनियज, ये प्रू लीनियज के मेंबर हैं और नॉर्दर्न इंडिया हस्तिनापुर में ये रेंस करते हैं, शासन करते हैं। सर्वदमना ये किंग दुष्यंता और शकुंतला का बेटा है। सेज कनुआ ये ग्रेट एसेटिक सेज हैं, हर्मिटेज के हेड हैं। शकुंतलाज बिलव्ड फोस्टर फादर, और शकुंतलाज के फोस्टर फादर हैं दुर्वासा। दुर्वासा जो है हॉट टेम्पर्ड सेज हैं जो कि शकुंतला और किंग दुष्यंत को कर्ज देते हैं। मारिका ये फादर ऑफ गॉड इंद्राज है ना, गॉड इंद्र के फादर हैं और एक डिवाइन सेज हैं। मताली गॉड इंद्राज चैरिटियर है। अनासुया और प्रियंबदा ये शकुंतला की दोस्त हैं। फिशरमैन है सनुमति जो कि फ्रेंड ऑफ मेनका है। बैखानसा विदुषाका कराभाका गौतमी कैटूरिका सर्वगढ़वा है ना सर्वगढ़वा और लेडी हंसपादिका, ये सब कैरेक्टर्स हैं। संस्कारा अ राइट फॉर अ डेड मैन एक नॉवेल है, इसको लिखा है यू आर आनंद मूर्ति ने। इनका पूरा नाम था उडुपी राजगोपालाचार्य आनंद मूर्ति है ना। ये इंडियन कंटेम्प्रोरी राइटर और क्रिटिक हैं कन्नड़ लैंग्वेज के, और इनका जन्म होता है 21 दिसंबर 1932 ईस्वी को और डेथ होती है 22 अगस्त 2014 ईस्वी को। इनका ऑक्यूपेशन इंग्लिश प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी। जेनरा क्या है, तो स्टोरी नॉवेल पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म। इन्होंने एक लिटरेरी मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है नव्या, और इनको 1994 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और 1998 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड मिला। संस्कारा नोबेल की बात किया जाए तो संस्कारा नोबेल के जो ऑथर हैं वो यू आर आनंद मूर्ति, उडुपी राजगोपालाचार्य आनंद मूर्ति हैं, और ये पहली बार पब्लिश हुआ 1965 ईस्वी में कन्नड़ लैंग्वेज में, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में 1976 में एके रामा अनुजन के द्वारा। और इसका जेनरा जो है फिक्शन है, और 1970 ईस्वी में संस्कारा नोबेल के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी है ना। और इसकी सेटिंग रखी गई है अग्रहारा दुर्वासापुरा कर्नाटका में, इसकी सेटिंग रखी गई है। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, परमेशाचार्य, नारानप्पा, चंद्री, भागीरथी, गरुड़ाचार्य, लक्ष्मणाचार्य, पुट्टा, अहमद बरी, ये सब इसके कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पर नोबेल की थीम्स की बात किया जाए तो नोबेल की थीम्स है डेथ, कास्ट सिस्टम, ग्रीड, सेल्फ डिस्कवरी, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो परमेशाचार्य जो कि एक लर्ड स्कॉलर एंड प्रीस्ट ऑफ दुर्वासापुरा हैं, विलेज के हेडमैन हैं, और ये बाकी अनदर ब्राह्मिन्स को लीड करते हैं यानी कि लीडिंग कैरेक्टर के रूप में है। भागीरथी परनेसाचार्य की वाइफ है जो कि इनवैलिड वुमेन है। नारानप्पा एक ब्राह्मण है जो कि नॉन ब्राह्मिनिकल लाइफ जीता है। चंद्री चंद्री एक दलित वुमेन है जो कि नारानप्पा के साथ रहती है ना। गरुड़ाचार्य और जो है लक्ष्मणाचार्य, ये दोनों नारानप्पा के एक रिलेटिव हैं
है ना। दुर्गा भट्टा, दुर्गा भट्टा एक दुर्वासापुरा विलेज का एक स्मार्ट ब्राह्मीन है ना। अनासुईया ये लक्ष्मणाचार्य की वाइफ है। पुट्टा एक लो कास्ट पर्सन है। और अहमद बरी एक मुस्लिम है जिन्होंने नारा नप्पा का अंतिम संस्कार किया था। आनंद मूर्ति जो है इस नॉवेल के थ्रू वो जो है ब्राह्मिनिकल कल्चरल डोमिनेंस को एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ में रिलीजियस हाइपोक्राइसी को अनमास्क करना चाहते हैं। ये नॉवेल ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी के बीच क्लैश को दिखाता है।